एक गांव में एक गरीब साधु रहते थे। वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो घर घर जाकर लोगों से भिक्षा मांगते थे। लोग उन्हें पैसे या फिर भोजन देते थे और साधु उन्हें आशीर्वाद देते थे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया और एक दिन साधु नदी के किनारे से जा रहे थे। तभी उन्हें सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली मिली। वो बहुत ही खुश हुए और पोटली अपने पास ही रखने का निर्णय लिया। घर वापस जाते समय उन्हें रास्ते में एक भिखारी दिखा और भिखारी ने साधु से पैसे अथवा भोजन की भीख मांगी, पर साधु उसे कुछ भी नहीं दिया। वो जब वापस चल रहे थे तभी थोड़ी ही दूर साधु को जमीन पर एक चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया और उन्होंने अपने आप से कहा कि वाह, कितना अच्छा दिन है। पहले यह सोने का सिक्का और अब यह हीरा मिला है। साधु जैसे ही वह हीरा लेने के लिए नीचे झुके, एक चोर ने आकर उन पर छलांग लगाई और सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली खींचकर वहां से भाग गया। असल में वो हीरा सिर्फ एक कांच का टुकड़ा था जो चोर ने जानबूझकर साधु को वहां फंसाने के लिए वहां रखा था। साधु बहुत ही दुखी हो गए। साधु वापस अपने घर की ओर चलने लगे। तभी भगवान कृष्ण ने एक साधारण मनुष्य का अवतार लिया और साधु को मिलने का निर्णय लिया। वो साधु को मिले और उन्होंने साधु को एक सिक्का दिया और कहा कि कृपा करके मेरे इस सिक्के को स्वीकार कर लीजिए। अब साधु ने उस सिक्के को स्वीकार कर लिया और भगवान कृष्ण वहां से निकल गए। साधु को विचार आया, ये क्या है और इससे मैं क्या कर लूंगा? मुझे नहीं लगता ये सिक्का मेरे कोई काम आएगा। तब घर जाते समय साधु को रास्ते में एक मछुआरा मिला और मछुआरे के जाल में दो मछलियां फंसी हुई थी। साधु को उन पर बहुत दया आई, इसीलिए उन्होंने मछुआरे से कहा, मैं तुम्हें यह सिक्का देता हूं और तुम मुझे ये दोनों मछलियां दे दो। मछुआरा मान गया और साधु ने तुरंत ही उन मछलियों को पानी से भरे मटके में रख दिया। उन्होंने सोचा कि दूसरे दिन वो जाकर इन दोनों मछलियों को नदी में छोड़ दिया चाहेंगे। दूसरे दिन वो जब नदी में मछलियों को छोड़ डहाने गए तब उन्होंने जो देखा तो वह एकदम चकित हो गए और नदी में दो हीरे थे। वह देखकर साधु बहुत ही खुश हुए पर समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और भगवान कृष्ण साक्षात साधु के सामने आए। तब साधु ने कृष्ण भगवान से कहा कि यह सब क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण बोले, मछलियां जब पानी में थी तब वह भूल से हीरों को निगल चुकी थी और अब तुम्हें हीरे मिले क्योंकि तुमने उनकी जान बचाई। तभी साधु के आंख में पानी आया और उन्होंने भगवान कृष्ण को धन्यवाद कहा। तभी भगवान कृष्ण बोले, तुम्हें सोने से भरी हुई पोटली मिली पर फिर भी तुमने उस भिखारी की मदद ही नहीं की है। तुम्हारे उस हीरे के लालच में तुमने उस सोने के सिक्कों को भी खो दिया। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं रखना चाहिए। तभी साधु ने भगवान कृष्ण को वचन दिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और कभी भी लालची नहीं बनेंगे।